Good afternoon, students. Today we will going to learn your next poem, The Grasshopper and the Cricket. In this poem, we will discuss about Mother Nature, and we will see in this poem that how the sound of nature, the sound of earth will never end. So, without wasting any time, let's get started with your next poem, The Grasshopper and the Cricket. And first, we will discuss line by line explanation and its word meaning as well. And after that, we will discuss its main idea, its main theme, and their important question answers. So, let's get started with your next poem, The Grasshopper and the Cricket. Today, we will read your poem on the grasshopper and क्रिकेट. मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ग्रास होपर जो क्रिकेट होता है आपने देखा होगा, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं और जैसे टिड्डे होते हैं और वो जो एक उसको हम बोलते हैं हरा तोता, ये दोनों में डिफरेंस है. जो हरा तोता होता है वो उसको हम ग्रास होपर बोलते हैं और जो जो टिड्डी होती है उसको हम क्रिकेट बोलते हैं. तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ग्रास होपर क्या है और क्रिकेट क्या है. ठीक है, जॉन कीट्स के द्वारा लिखी हुई ये पोइम है और इस पोइम में इन्होंने जो है नेचर से इन दोनों जो ग्रास होपर को और क्रिकेट को नेचर के साथ जुड़ा हुआ है. ये इसकी थोड़ी सी समरी है, अगर आप चाहें तो ये समरी भी पढ़ सकते हैं. थोड़ी सी समरी मैंने दी हुई है और अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी पोइम ऑन द ग्रास होपर एंड द क्रिकेट. Now, first we will start the translation of the lesson. यहाँ पर मैंने आपको हिंदी में भी दी हुई है इसकी explanation और as well as जो rhyme scheme है उसमें भी दी हुई है. तो यहाँ पर हम पहले rhyme scheme पढ़ेंगे, मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए और उसके बाद मैं हिंदी में भी आपको इसका जो मैं साथ में दिया हुआ उसको जो है illustrate कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए. तो ये poetry में basically है क्या, the poetry of earth is never dead. When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new mow mad. That is the grasshopper, he takes a lead in summer luxury he has never done. With his delight for when tied out with fun, we rest at ease beneath some pleasant weed. तो यहाँ पर मैंने नीचे इसके वर्ड मीनिंग भी सारे के सारे आपको मैंने दिए हुए हैं, तो आप वर्ड मीनिंग भी वहाँ से पढ़ सकते हैं. तो हिंदी में देखिए, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर एड, जैसे कि लिखा हुआ है, धरती के जो गीत संगीत का जो क्या होता है कभी भी अंत नहीं होता. जब तपती धूप में सभी पक्षी सुस्त पड़ जाते हैं और छायादार पेड़ों में छिप जाते हैं, उस समय ताजी कटी घास वाली चिरागाहों के चारों ओर लगी बाढ़ के एक आवाज़ गूंजती रहती है. जैसे कि देखा होगा आप लोगों ने कि जब घास वाट कट जाती है और वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है तो वहाँ पर भी आवाज़ें आना शुरू हो जाती है. ये आवाज़ टिड्डे की होती है, देखिए यहाँ पर टिड्डा ही बताया हुआ है. तो टिड्डा बेसिकली को किसे कहा गया है, क्रिकेट को. वही सबसे पहले जो यहाँ पर लिखा हुआ है भीषम, जो एकदम गर्मी वाली जो ऋतु होती है, मिलने वाले आनंद का अभ्यास करता रहता है. जैसे कितनी भी गर्मी हो कुछ भी हो वो अपना गाना बजाना वो चालू ही रखता है. वो जो कीड़ा है उसका आनंद कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि जब वह खुशी से गा कर थक जाता है तो वह किसी आरामदायक खरपतवार के नीचे आराम करने लग जाता है. खरपतवार क्या होता है, जैसे किसी पेड़ की छाया, किसी पत्ते की छाया, तो उसके नीचे वो आराम करना शुरू कर देता है. इट मीन्स कि उसको किसी की भी कोई ऐसी टेंशन नहीं लेनी होती, तो वो आराम से जो है वो नेचर को एंजॉय करता हुआ अपनी जो लाइफ को क्या करता है, लाइफ को आराम से वो स्पेंड करता है. और लाइफ में आने वाली जो डिफ़िकल्टी है उनसे वो घबराता नहीं है. क्यों, क्योंकि उसको पता है कि जो अर्थ है, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड, जो जो हमारी धरती के जो एक्टिविटी होती है हर तरह की, तो वो कभी भी रुकती नहीं है. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमें अब जैसा भी हालात हो उसके साथ दोस्ती करके उसके साथ रहने की आदत डालनी चाहिए. ये आपके पहले पैराग्राफ में बताया गया है और इसके वर्ड मीनिंग जैसे कि मैंने मार्क किए हुए हैं, आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर लेने हैं. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू सेकेंड पैराग्राफ. The poetry of earth is chasing never. On long winter evening when the frost has wrought a silence from the storm, their shrill,
The cricket song in warmth increasing ever and seems to warn in drowsing half lost the grasshoppers among some grassy hills. चेजिंग क्या होता है, जैसे मैंने नीचे वर्ड मीनिंग में लिखा हुआ है, कम टू अ हॉल्ट, रुकना, किसी चीज़ को ब्लॉक करना, किसी चीज़ को रोक देना, उसको हम चेजिंग बोल देते हैं। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, धरती का संगीत कभी नहीं रुकता, जैसे कि ये इसका मेन एक टाइटल है। सर्दी की वीरान शाम को जब पाला पड़ने के कारण, पाला क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है। ऑन अ लॉन्ग विंटर इवनिंग वेन द फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट इट मीन जमा देने वाली, जब ठंड पड़ती है तब क्या होता है, हर जगह पर खामोशी पसरी होती है, हर जगह पर साइलेंस होती है। उस समय किसी चट्टानों के नीचे किसी झींगुर की ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो जाती है। देखिए झींगुर वहाँ पर क्या आ गया, वही जो मैं आपको बोलता हूँ कि हरा तोता जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या कर रहा होता है, गर्माहट के कारण ऊंची ऊंची आवाज़ें और भी बढ़ती जाती हैं और आवाज़ें लगा रहा होता है कहीं उसमें, किसी पत्थरों में, किसी चट्टान में ऐसे घुसकर। निंद्रा से उगते किसी व्यक्ति को ऐसे लगता है कि झींगुर की ये आवाज़ किसी हरी भरी पहाड़ी से आ रही है। तो इस तरह से लगता है कि जैसे कोई रेस्ट भी कर रहा हो तो उसको पता चल जाता है कि ये आवाज़ किसकी है, ये कहाँ पर बैठा हुआ है। देखिए अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में क्या बताने की कोशिश की गई है कि ये जो झींगुर है इसको भी, चाहे वो चट्टानों में पड़ा हुआ हो, चाहे वो पत्थरों में पड़ा हुआ हो, चाहे कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो, तो वो भी क्या करता है, उसकी चिंता किए बिना जो मदर नेचर है उसको वो इंजॉय कर रहा है और वो अपना गाना जो है वो चालू रखता है। उसका उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता कि कितनी सर्दी पड़ रही है या वो कहाँ बैठा हुआ है, क्या है। तो ये इस पॉइंट में बताया गया है। बेसिकली इसका मेन आइडिया यही है कि इंसान को कभी भी मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए और अपनी लाइफ में आने वाली सभी मुसीबतों को हंसकर उसका वो सामना करना चाहिए, यही हमें जो है ये पॉइंट बताती है। तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन थी और अब हम आगे बढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के ऊपर। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले देखिए, फाइंड इन द पोएम लाइंस दैट मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें पोएम में जितनी भी लाइनें आई हैं वो लाइनें इसमें दी हुई हैं। देखिए जो फर्स्ट लाइन है वो किस लाइन के साथ मैच करती है, द ग्रास ओपर हैप्पीनेस नेवर कम्स टू एन एंड। जो ग्रास ओपर होता है उसकी जो जो खुशी होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, उसका एंड कब होता है, He has never done with his delights. तो वो क्या करता है, He had never done with his delights. जैसे कि मैंने क्या बोला था कि वो क्या करता है कि वो अपनी खुशी के साथ ही रहता है, ये लाइन जो है वो फर्स्ट लाइन के साथ मैच करती है, जैसे कि मैंने आंसर में बताया हुआ है। सेकंड लाइन देखिए, The cricket song has warmth that never decreases. जो उसका जो गर्मी में भी वो जो क्रिकेट है वो सॉन्ग गाता रहता है और वो कभी भी डिक्रीज नहीं होता, कभी भी कम नहीं होता, ये किसके साथ मैच करती है, आंसर में देखिए सेकंड, द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्म्थ इंक्रीजिंग एवर, इंक्रीजिंग वर्ड है वो डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के साथ मैच किया गया है, तो ये किसके साथ मैच होगा, इंक्रीजिंग एवर के साथ, वो हमेशा ही बढ़ता रहता है। नेक्स्ट इसमें से हम करेंगे जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, स्टेंजे में से स्टेंजा होगा, स्टेंजे को आपको रीड करना है और रीड करने के बाद उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर ऐसे ही आएंगे और उसमें से आपको उसके आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो ये मैंने ऊपर स्टेंजा दिया हुआ है। स्टेंजे में से पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हेन डू द बर्ड फेंट, जो पंछी होते हैं, व्हेन डू द बर्ड फेंट, जो पंछी होते हैं वो क्या करते हैं, ऑल द बर्ड्स फेंट व्हेन द सन इज हॉट, कब फेंट, कब वो गर्मा जाते हैं, कब उनको प्रॉब्लम होती है, जब सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सिंग्स द पोएट्री ऑफ अर्थ इन समर, जो समर का सीजन होता है उसमें कौन पोएट्री गाता है, द ग्रास होपर सिंग्स द पोएट्री ऑफ अर्थ इन समर, जो ग्रास होपर होता है ठीक है, वो जो क्या करता है, वो गर्मी में भी अपनी जो कविता गाना गाता रहता है, उसको गर्मी का कोई भी असर नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट वेयर डज द ग्रास होपर टेक शेल्टर व्हेन इट इज टायर्ड, जो ग्रास होपर होता है जब वो थक जाता है तो वो कहाँ पर जाकर रेस्ट करता है, कहाँ पर जाकर शेल्टर लेता है, व्हेन ही इज टायर्ड द ग्रास होपर टेक शेल्टर बिनर सम
प्लीसेंट वीड, तो वो क्या करता है कि कोई ठंडी जगह देखता है, पत्ते पत्तों के नीचे हो गया, किसी पेड़ के नीचे, तो वहाँ पर जाके वो रेस्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, नेम द पोएम एंड द पोएट। ये आई थिंक दिस क्वेश्चन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो पोएम का नाम और पोएट का नाम आपको याद रखना है, द नेम ऑफ द पोएम इज ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट एंड दैट ऑफ द पोएट इज जॉन कीट्स, और जॉन कीट्स के द्वारा ये लिखी गई है। राइट ऑल द राइम्स राइमिंग्स वर्ड फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट। राइमिंग वर्ड यहाँ पर हमें बताने हैं, ये जो हमारा स्टेंजा है इसमें राइमिंग वर्ड क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एक लेसन दिया था लिटरेरी डिवाइसेस का, उसमें अलग अलग तरह के लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो राइमिंग वर्ड क्या होते हैं कि जो एक वर्ड एक दूसरे से मैच करते हों या एक दूसरे से सिमिलर आवाज़ पैदा करते हों। जैसे इस स्टेंजा में देखिए राइमिंग वर्ड कौन से हैं, ऐसे देखिए सन एंड रन, मैड एंड लीड, ठीक है। इस तरह से जो वर्ड है आंसर में भी मैंने वैसे ही दिए हुए हैं, सन एंड रन, मैड एंड लीड, डन एंड फन एंड लीड एंड वीड, ये दोनों सेम आवाज़ लास्ट में पैदा कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है, राइमिंग वर्ड है। ये जो सेकंड स्टैंजा है इसको हम नहीं करेंगे। आफ्टर दैट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, उस ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में से आपको जो सेकंड क्वेश्चन है, द मेन आइडिया ऑफ दिस पोएम ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट, मेन आइडिया, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मेन आइडिया। नाउ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, विच क्वालिटी ऑफ नेचर इज ग्लोरिफाई इन द पोएम। कौन सी ऐसी कुदरत की कौन सी ऐसा एक क्वालिटी है जो पोएम में जो राइटर है वो बताना चाहता है, पोएट जो बताना चाहता है, द नेचर हैज़ एन एंडलेस म्यूजिक विच इज़ ग्लोरिफाइंग इन द पोएम। तो पोएट यही बताना चाहता है कि कुदरत में बहुत सारा गीत संगीत है, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, तो ये जो पोएट है पोएम में बताना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड, कीट इज नॉन एज सेंसेस पोएट, वाई। सेंसेस क्या होता है कि सेंस सेंसिबल, ठीक है। हिज पोएट्री प्लेजेस आर आवर सेंसेस, वो बहुत ही भावुक टाइप का जो एक कवि है, तो हिज उसकी जो कविताएं हैं उसमें हमेशा ही कुछ ना कुछ भावनाएं लिखी गई होती हैं। यहाँ पर जैसे कि इस पोएम में कुदरत के बारे में बताया गया है और धरती के बारे में बताया गया है कि क्या होता है, वो सब भावनाएं बताई गई हैं। द पॉइंट थर्ड क्वेश्चन, द पॉइंट टॉक्स ऑफ विच सेंस ऑफ दिस पॉइंट, कौन सी सेंस को बताना चाहता है, द सेंस ऑफ हेयरिंग, जो हमारी सुनने की सेंस होती है उसको बताना चाह रहा है कि हमें जो कुदरत का जो संगीत है उसको जो है वो इंजॉय करना चाहिए। आफ्टर दैट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें से हम मेन आइडिया देखेंगे, यही क्वेश्चन करना है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट। ये मेन आइडिया क्या है इस पोएम का, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज अनएंडिंग। पहली बात क्या है कि जो पोएट्री होती है हमारे पूरे प्लैनेट की, जो पूरे प्लैनेट का जो गाना बजाना है, जो संगीत कुदरत से हमें मिलता है, वो कभी भी एंडिंग नहीं होता, ठीक है। इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, यही इस कविता का एक मेन आइडिया है। द पोएट सेज दैट नेचर हैज इट्स ओन कॉन्टिन्यूस मेलोडी। द पोएट क्या बोल रहा है कि कुदरत का अपना एक म्यूजिक है, अपना एक संगीत है जो हमेशा ही चलता रहता है। इट गोज ऑन राउंड द ईयर थ्रू द समर एंड विंटर, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो कभी भी बंद नहीं होता, वो अपने एक सर्कल में चलता ही रहता है। इन समर द ग्रास हॉपर सिंग्स इट्स पोएट्री, जो समर होता है, जो गर्मियों का सीजन होता है, उसमें जो ग्रास हॉपर गाता रहता है। इन विंटर वेन द ग्रास हॉपर इज साइलेंट, और जब सर्दियों में जब ग्रास हॉपर साइलेंट हो जाता है, तब क्या होता है, क्रिकेट जो होता है वो गाना गाना शुरू कर देता है, कुदरत को जिंदा रखता है विद इट्स, हम अपनी आवाज के साथ, अपने गाने के साथ। तो इसी तरह से किसी की जगह दूसरा बंदा लेने के लिए आता रहता है, इसी तरह से सर्कल जो है वो कुदरत का वो चलता रहता है। तो इस तरह से जो है अर्थ में म्यूजिक और अर्थ में काम कभी भी रुकता नहीं है, पुराने की जगह नया आदमी आ जाता है, जो पुराने होते हैं वो चले जाते हैं और उनकी जगह लेने के लिए नए आते रहते हैं, और इसी तरह से अपना जो काम धरती का जो एक सर्कल है वो चलता रहता है। तो यही इस पॉइंट में बताया गया है। तो यही आप लोगों के आज के लिए यही आपकी एक्सप्लेनेशन थी, आज का लेसन था, और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने मार्क किए हुए हैं वही आपने अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ओनली योर ग्रामर पार्ट
So we will meet in your next lecture. Till then, take care, stay safe at your home, and God bless you.